हाय गाइस, मैं विनोद और आप देख रहे हैं टेक की गुड्डी चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप रियलमी नार्जो N53 में डेवलपर ऑप्शन कैसे इनेबल करेंगे। सो गाइस, चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको सेटिंग में आना है। सो गाइस, सेटिंग पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको अबाउट डिवाइस पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको वर्जन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल जाएगा बिल्ड नंबर का। तो यहाँ पे आपको बिल्ड नंबर पे कम से कम 7 से 8 बार लगातार क्लिक करना है। जब आप बिल्ड नंबर पे 7 से 8 बार लगातार क्लिक करेंगे तो गाइज आपका डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो जाएगा। सो गाइज, मैं इस पर 7 से 8 बार लगातार क्लिक करता हूँ। जैसे गाइज मैंने इस पर 7 से 8 बार लगातार क्लिक किया तो मेरा डेवलपर ऑप्शन अनेबल करने के लिए स्क्रीन लॉक मांग रहा है। तो गाइज यहाँ पे आपको अपना स्क्रीन लॉक एंटर कर देना है। सो गाइज, यहाँ मैंने अपना स्क्रीन लॉक एंटर कर दिया। एंटर करते यहाँ पे आप नीचे देख रहे लिखा हुआ यू आर नाउ इन डेवलपर मोड। सो गाइज, इस तरीके से आप डेवलपर मोड को अनेबल कर सकते हैं। अब मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि मेरा डेवलपर ऑप्शन अनेबल हुआ है कि नहीं हुआ। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और गाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइज, यहाँ पे आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइज आप ऊपर देख रहे हैं मेरा डेवलपर ऑप्शन अनेबल हो गया। सो गाइज, इस तरीके से आप डेवलपर ऑप्शन को अनेबल कर सकते हैं। और गाइज, आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और गाइज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।